मणिपुर हिंसा और युवतियों के साथ हुई शर्मनाक हरकत के विरोध में भोपाल में आम आदमी पार्टी का विशाल प्रदर्शन। वहीं भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कार्यकर्ताओं ने ज्योति टॉकीज चौराहे से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक पैदल मार्च किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल भी प्रदर्शन में शामिल हुई। वहीं बता दें कि मणिपुर में दो युवतियों के साथ हुई शर्मसार हरकत पूरे देश को शर्मसार कर रही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने केंद्र और मणिपुर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 83 दिन से हिंसा चल रही और हजारों लोग बेघर हो गए, जबकि 170 लोगों की जान भी जा चुकी। स्कूलों और घरों को जलाया जा रहा। पूरी मोदी सरकार उसके खिलाफ में मणिपुर में जो घटना हुई है, और मणिपुर में ये एक घटना नहीं, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं जाते मणिपुर के उस परिवार के पास, मणिपुर में क्यों नहीं जाते? मणिपुर में शांति की जरूरत है, और ये सिर्फ एक ही प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। इसीलिए ये आज आम आदमी पार्टी ने, पूरी महिला संगठन, युवा संगठन और पूरे आम आदमी पार्टी के संगठन ने मिलकर मोदी के खिलाफ यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन है। और अगर जरूरत पड़ेगी कि इस तरीके के धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे, और इस बार 2023 में मोदी जी को अपनी इस मनमानी और इस गंदी हरकतों का जो साथ देते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बलात्कारियों को जब जेल से रिहा किया जा रहा है तो उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है, उन्हें हार मलाई पहनाई जा रही है, तो ये साफ दिख रहा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर, हर जगह जो है नारी का अपमान हो रहा है, नारियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जीर हर हो रहा है। मोदी सरकार जो है।